थोड़ी देर पहले ही हमने बातें की है एक्टर कार्तिक के साथ। कार्तिक के साथ बातें हुई, काफी कुछ जानने को मिला हमें मूवी कांची के बारे में। इस वक्त हमारे साथ हैं, कोलकाता की हैं हमारी अपनी एक्ट्रेस मिस्टी। मिस्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन रेड एफएम। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, कोलकाता में अपने शहर में आकर प्रमोशन कर रही है मूवी कांची की, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? देखिए, कांची मूवी एक बहुत ही आम लड़की की है, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि हम सब हैं, लेकिन वो आम लड़की कैसे खास बनती है और क्यों एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामाटाइज्ड सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा, दिस इज ऑल अबाउट द मूवी। एंड मूवी के बारे में बोलना चाहूंगी, हम अब तक सुनते आ रहे हैं कि मूवी तीन चीज़ों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट। तो कांची एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, तो इसलिए 25 तारीख को कांची देखने जाइए और प्लीज अकेले मत जाइए, अपनी पूरी फैमिली को और अपने गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, दोस्तों को, सबको लेके जाइए। सुभाष जी, आई थिंक आई कुडंट एवर हैव अ बेटर मेंटोर देन हिम। तो ये जो पूरा एक साल मैंने गुजारा है कांची के शूटिंग के दौरान, ये मेरे लिए गुरुकुल जैसा था, जहाँ पे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मुझे इससे पहले मैंने फिल्में की थी, बंगाली फिल्में किया था मैंने, लेकिन मुझे टेक्निकल नॉलेज ऑफ एक्टिंग कभी नहीं रहा है एज सच। इंस्टीट्यूट से आजकल काफ़ी बच्चे करते हैं, पर वो नॉलेज मुझे नहीं था। तो सुभाष जी इन हिमसेल्फ इज़ अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, तो उनके साथ काम करके अब मैं भी बोल सकती हूँ मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मूवी की जब हम बातें कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कोलकाता शहर की बातें करें या ओवरऑल इंडिया की बातें करें, महिलाओं की इस वक्त क्या सिनेरियो है, क्या पोजीशन है, क्या जगह है? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह है। आप अगर मेट्रो शहरों में, हम सब हैं यहाँ पे, महिलाओं का पोजीशन कुछ और है, गांव में जाओगे कुछ और है, और अंदर गांव में जाओगे तो वहाँ पे कुछ और है। तो कोई स्टेबल ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिचुएशन अच्छा है या बुरा है, कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं बुरा है, पर बुराइयाँ बहुत है जो हम देखते आ रहे हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लॉट ऑफ रेप केसेस, मोलेस्टेशन। तो इन सब के लिए सबसे पहले आई थिंक जो हमारा गवर्नमेंट है, दे शुड टेक सम स्टेप अगेंस्ट इट। और अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट, तो मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट हर एक इंसान के अंदर होता है। आई डोंट बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, आई बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ द जेंडर, वेयर मैन एंड वुमेन बोथ वुड बी इक्वल। सो आई थिंक अगर हम इक्वलिटी की बात करें, तो सबसे पहले इंसान को खुद समझना चाहिए, एक लड़की को खुद अपनी इज्जत करनी चाहिए, बाद में तो कोई और आपका इज्जत करेगा, लेकिन फर्स्ट यू रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। एम्पावरमेंट को मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त सुन रहे हैं ऑन रेड एफएम, उन सभी से क्या कहना चाहेंगी? कोलकाता है हमारा अच्छी मूवी प्रमोशन चलछे, 25 तारीख मूवी सिनेमा हॉले हमारा देखते पाबो, उधर की बोल কলকাতা সবাইকে আমি বলবো যে কলকাতা অ্যান্ড কলকাতাবাসীদের আমি ভীষণ 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 ভালোবাসি। জানি এটা অনেক পুরনো ডায়লগ, বাট এটা মন থেকে বলা। আই থিঙ্ক প্রত্যেক মাসে আমি কলকাতা ফেরত আসি, মুম্বাইতে এত কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি আমার যতটুকু ফ্রি টাইম থাকে সেটা আমি কলকাতাতেই কাটাতে চাই, কলকাতার লোকেদের সাথে কাটাতে চাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস্টি আমার সাথে বাতে করতে গেলে, আমি চাহেঙ্গে কি আনে ওয়ালে দিনো মে ভি আপ ইসি তরহ এন্টারটেইন হাম সবকো করতে রহে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমার সাথে एक्ट्रेस मिस्टी, जिनके साथ हमारी रेड एफएम पे बातें हो रही थी। कांची मूवी की प्रेस मीट थोड़ी देर पहले खत्म हुई और हम एक एक करके बातें कर रहे हैं कांची मूवी के स्टार कास्ट के साथ। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर इस पूरे इवेंट के हैं पीपल ट्री होटल, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स पार्टनर हैं आइनॉक्स, और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है खुशिया इवेंट्स और कैंडिड कम्युनिकेशन ने। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।